पत्थर बहुत मजे करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो 2024 नए साल का ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो सबसे पहले बेलेटेड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। उम्मीद है कि 2024 का साल जो है मेरा यूट्यूब जर्नी में बहुत अच्छा गुजरे। आज हम लोग सारे दोस्तों जा रहे हैं दियोझरण वाटरफॉल, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है और बुर्ला से डिस्टेंस लगभग रहता है 40 किलोमीटर। तो संबलपुर से कितना डिस्टेंस है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं वीडियो का आगे आपको बता दूंगा, सारा इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा उस लोकेशन के बारे में। फिलहाल मैं अभी मतलब हॉस्टल में हूँ, सारे दोस्तों भी हैं, कुछ दोस्तों गए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। गाड़ी आने से हम लोग निकलेंगे और चलो गाड़ी आने दो, फिर आप सभी से मिलते हैं। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सारे दोस्तों हैं, बहुत मज़ा आएगा, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। मिलते हैं आपको कुछ ही देर के अंदर में और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। A few moments later. रेडी लोडिंग करो लोडिंग भाई। फाइनली हमारा गाड़ी आ चुका है, ऊपर बॉक्स वगैरह लोडिंग भी है और कुछ सामान वहाँ पे है, अभी लोडिंग होगा। फिलहाल सवा सवा आधे घंटे, वेल डन। क्या पहले से अपना अपना सीट को कह रहे हैं कवे सर रत्योस चलो फटाफट से अभी सामान अभी लोड होगा, बस कुछ नहीं। देखो उधर करण और हितेश लेके आ रहे हैं। ए हितेश, तुषार, प्रतीक, पीयूष, प्रत्युष, हृदय, करण, शाश्वत ब्रो, शाश्वत वीडियो बना रहा है ना, सुभाष जी जरा दिखाओ आपका मुखड़ा आधे का। प्रतीक थोड़ा डांस भाई साहब, ये सपोर्ट है ना, ये रहे देखो भाई, ये बोलते हैं सापुआ डैम, सापुआ डैम क्या नजारा है, मस्त व्यू है भाई। प्रत्येक करण फाइनली पहुंच गए भाई, पहुंच गए भाई। से लोकेशन कैसा है? लोकेशन अभी के लिए हम प्लान किए हैं एकदम मस्त जगह, एक तो प्लान किए हैं उस जगह पे हम अभी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे हम चिकन रांधेंगे पत्थर में, बहुत मजे करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसे पत्थर होगा, पानी होगा, अच्छा पानी में बैठेंगे पत्थर पे, वो क्या बनाना लीफ पकाएंगे, उसके ऊपर चिकन पकौड़ा और सॉस डाल के खाएंगे। ओ गाइस, तो फाइनल दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में, जो कि है दियोझरण वाटरफॉल। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते होंगे अभी बॉयज सब लोग सामान उतार रहे हैं। दोस्त पहले से आ चुका था और बोला कि बहुत बढ़िया लोकेशन है, आप लोग भी यहां आ सकते हैं पिकनिक के लिए। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जस्ट पहुंचे हैं, पूरा एक्सप्लोर करेंगे दियोझरण वाटरफॉल, मतलब एक अलग सा वाइब्स है यार, बहुत कुछ दिखाना है वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अभी फिलहाल सामान उतारते हैं और चलते हैं आगे। उतारो सामान, जितने चिम्बल है बॉय हो सब जाओ ऊपर। ए सवा सवा, ए चिम्बल, चलो पहले भी फटाफट से सामान उतारते हैं, उसके बाद ना आपसे मिलते हैं, पूरा करेंगे होने वाला है वो, वीडियो को एंड तक जरूर देखें।
तो दोस्तों देखिए, यही जो ये जो पॉइंट है, यही आपका एंड पॉइंट है। अगर आप लोग गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी आपका यहीं पर ही रुकेगा, यहाँ से अंदर नहीं जा सकता। और आपको जो मेन वाटरफॉल है, तो दोस्तों जो मतलब यहाँ का मेन वाटरफॉल है, आपको यहाँ से मिनिमम 50 मीटर होगा अंदर आपको जाना पड़ेगा पैदल ही। तरफ आपका फॉरेस्ट है और यहाँ से आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, जो कि आपका मेन वाटरफॉल है। मैं अभी गया था, एक राउंड मार के आया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, पूरा मस्त एपिक प्लेस है। हम लोग जो है ना आज यहाँ पे मतलब खुद अपने कुकिंग करेंगे और खाएंगे, सब कुछ सामान वगैरह पूरा लेके आए हैं, यहीं पर ही कुकिंग होगा, यहीं पर नहाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। तो ये पिकनिक के लिए बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। आप लोग ये अगर संबलपुर में कोई जगह मतलब देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग पिकनिक स्पॉट एक चूज़ करें, तो ये वाला जो वाटरफॉल है बेस्ट प्लेस है। तो फिलहाल अभी तो और भी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहीं से हम लोग का रास्ता जर्नी स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग देखिए, दोनों साइड में आपका फॉरेस्ट रहेगा और बीच में रास्ता गया है जो कि वाटरफॉल जाएगा। देखिए तो दोस्तों, लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही एपिक है। और मेरे सारे दोस्त सामान लेके चले चुके हैं, पूरा वाटरफॉल के पास में ही हैं, क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन भी करना है, कुकिंग भी करना है। और टाइम हम लोग का भी फिलहाल 11 बज चुका है, जितने जल्दी मतलब खाना वाना बनना ख़त्म होगा फिर खाएंगे और मज़ा तो करेंगे, नहीं तो पूरा खाना बनाने में सारा टाइम चला जाएगा। तो फिलहाल देख लो भाई, ये पूरा लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपका वाटरफॉल। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे बढ़िया चीज़ जो है यहाँ का वाटरफॉल, कितना ही खूबसूरत वाटरफॉल है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊँ। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे। तो देखो दोस्तों, मैं पूरा करीब आ चुका हूँ वाटरफॉल के, आपको थोड़ा थोड़ा झलक दिख रहा होगा वाटरफॉल का, वो रहा सामने वाटरफॉल। और हमारे सारे गैंग के बॉयज भी वहीं पे हैं। चलो आपको और वेट नहीं कराऊंगा, आपको सबसे पहले वाटरफॉल दिखाता हूँ। वो देखो सत्यम दा, देखो गाइस यहाँ भी पानी आ रहा है। और ये पत्थर है ना भाई, इतना खूबसूरत लग रहा है भाई, मत बोलो भाई। ए भाई देखो भाई, यहाँ पे हम लोग का सारा यहाँ पे सब सामान है हम लोग का। हाँ, यहाँ पे अभी कुकिंग होने वाला है और अभी यहाँ पे नहाएंगे। और सबसे पहले चलो आपको वाटरफॉल का टूर देता हूँ। वाह भाई वाह, कभी वाह, क्या कर रहे हो भाई। अब तो यहाँ पे आशुतोष और हृदय चिकन धो रहे हैं, अभी बड़े से लोग चिकन धोएंगे। और आज चिकन भी आशुतोष ही पकाने वाला है, देखते हैं कैसा पकाता है। अभी तो बढ़िया से फ्रेश करके धो रहा है, धोने दो इसे। और यहाँ पे हमारा प्रथम और अभिषेक, और ये लोग तो यहाँ पे अभी प्याज कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का अभी देखिए पकौड़ा का काम चल रहा है, ये पनीर पकौड़ा हो रहा है। और देखो फाइनली हमारा रेडी भी हो चुका है पूरा पनीर पकोड़ा, ये सॉस गिरा। और लो अभिषेक और प्रथम, ये तो पकोड़े के मज़े उठा रहे हैं, हम लोग का भी बारी आएगा बेटा। और यहाँ पे आशुतोष ये लोग सब कुक कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे अभी चिकन का रेडी हो रहा है, और देखो हम लोग का फाइनली चिकन पकोड़ा भी बन गया। और यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आराम से सब खाएंगे। अभी तो फिलहाल ऊपर भी जाना है घूमने के लिए। तो दोस्तों नीचे जो वाटरफॉल है, आप लोग यहाँ पे आराम से नहाना धोना कर सकते हैं और आप लोग यहाँ खाना भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सजेशन करूँगा, पीने का पानी आप लेके आइए, हम लोग भी लेके आए हैं। और मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ, हम लोग नीचे जो थे, लेकिन एक दोस्त बोला कि ऊपर और भी बढ़िया एक मतलब वाटरफॉल है, छोटा रास्ता है, बड़ा भाई भाई बड़ा खतरनाक रास्ता है ऊपर जाने का। ट्राई करेंगे, नहीं पक्का जाऊँगा, लेकिन थोड़ा क्रिटिकल है। और मेरे साथ सुभाषिश भी है और हमारे
सुबह से कुछ बोलोगे? चलो चलो ऊपर चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही, लेकिन खतरनाक रास्ता है, देख के जाना पड़ेगा। और हम लोग के सारे बॉस नीचे अभी खाना बनाने में पूरा लगे हुए हैं। अब मैं सोचा कि चलो थोड़ा ऊपर से घूम के आते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। भाई भाई बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, देख लो भाई इसी रास्ते से हम लोग को भी ऊपर जाना है। वन टाइप ऑफ ट्रैकिंग हो जाएगा भाई। और मैं खाली पैदल भी आया हूँ, स्लीपर नहीं लाया क्योंकि अगर स्लिप करेगा तो पूरा नीचे जाऊंगा। डर लग रहा है कहीं से टाइगर वगैरह ना आ जाए भाई। ओके भाई लोग अभी यहाँ से तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ से नजर आएगा। देखो हम लोग के भाई लोग वहां पे हैं नीचे, हम लोग अभी वहां पे थे। जूम करके आपको भी दिखा देता हूँ, देखिए इतना ऊपर अभी आए हैं, और भी ऊपर चलते हैं। इधर अबे कहीं भटक ना जाए और कहीं, देखते हैं आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ऊपर तो आके पहुंच गए लेकिन वाटरफॉल की तरह मुझे नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ है सुभाषिस बोल रहा है कि आगे है, थोड़ा चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। ओ भाई साहब, हाँ है ओ भाई साहब, एपिक प्लेस है वे। अरे यार बहुत बढ़िया है, चलो चलो चलो, आइलैंड की तरह लग रहा है यहाँ पे। अबे मस्त लागू जी वे, भाई साहब पीछे का व्यू देखो भाई, बहुत डीप अच्छी बेटा। मतलब ये सच्ची है कि सफर का फल मीठा होता है। मतलब आप लोगों को मैंने दिखाया कितना मेहनत करके हम लोग ऊपर चढ़ के आए, तो नजारा भी देखो भाई, क्या गजब का व्यू है भाई, क्या गजब का व्यू। ओह नाइस, पीछे सामने दोनों साइड में बहुत ही बढ़िया गजब का व्यू है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप अगर कॉल लगाएंगे तो कॉल नहीं लगेगा। दोस्तों देखो यहाँ से वो वाला लोकेशन कितना गजब का लग रहा है, मुझे वहां जाना है फोटो उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा ज्यादा है और यहाँ स्लिप भी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी मतलब ऊपर से चढ़ के वहां जाने वाले हैं। चलो वहां पहुंच, देख लो भाई मैं इसी लोकेशन का बोल रहा था, बहुत ही बढ़िया नजारा है यहाँ पे, फोटोज वगैरह बहुत बढ़िया क्लिक होगा। हम लोग अभी उस साइड नीचे की तरफ थे, मैं वहां से आपको दिखा रहा था ये पर्टिकुलर लोकेशन। अभी फिलहाल चलते हैं नीचे कुछ, वाओ दोस्तों जब मैं ऊपर से आया तब तक खाना बन चुका था, तो हम लोग अभी फाइनल बैठ भी चुके हैं खाना खाने के लिए, बिकॉज 4 भी बज गया है, अभी थोड़ा भी खाना खाएंगे और डांस वगैरह भी बहुत कुछ थोड़ा करेंगे, उसके बाद यहाँ से अलविदा होंगे। पे फाइनली बहुत सारा डांस मैंस करने के बाद में हम लोग निकल गए, और मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं था इसलिए मैं और कुछ शूट नहीं कर पाया। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल में, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप सभी से फिर मुलाकात होगा एक नए ब्लॉग के साथ। हाँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक पिकनिक का प्लान कर रहे हैं देवजरम वाटरफॉल बेस्ट रहेगा आपके पिकनिक स्पॉट के लिए। तो चलो आप सभी से फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।